नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीएलटी टूर गाइड में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक छोटे से राज्य गोवा में घूमने की टॉप 10 जगहों के बारे में, जहां पर आप सभी घूम सकते हैं, घूमने का भरपूर मजा ले सकते हैं। तो चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं गोवा में घूमने की टॉप 10 जगहों के बारे में। नंबर 10, गोवा के मशहूर चर्च। पुर्तगाली शासन के लंबे इतिहास के कारण गोवा में कई सारे चर्च हैं, जो कि न केवल पूजा स्थल है बल्कि अतीत की खूबसूरत इमारतों का भी एक नमूना है। इसलिए गोवा आने वाले ज्यादातर पर्यटक इन चर्चों को देखने के लिए आते हैं, जिनमें बिस्लिका ऑफ बॉम जीजस, सेंट कैथेड्रल चर्च, सेंट फ्रांसिसी ऑफ असीसी आदि जैसे चर्च गोवा के प्रमुख चर्च है, जहाँ पर आप सभी घूमने का भरपूर मजा ले सकते हैं। नंबर 9, अरपुआ नाइट मार्केट। उत्तरी गोवा के अरपुआ में स्थित यह मार्केट भारतीय और यूरोपियन लोगों के लिए एक बेहद ही लोकप्रिय बाजार है, जहां पर आपको तड़कते भड़कते कपड़ों के साथ साथ जूते, बैग, लेदर की चीजें और हस्तशिल्प आदि जैसे सभी प्रकार की चीजें इस बाजार में आपको देखने को मिल जाएंगी। और साथ ही साथ यह बाजार गोवा में खरीदारी के लिए बहुत ही खास मार्केट है, जहाँ पर आप काफी अच्छी अच्छी खरीदारी कर सकते हैं। नंबर 8, पालोलेम बीच। दक्षिणी गोवा के काना कोना में स्थित इस बीच पर ताड़ के पेड़ और लकड़ी की बनी झोपड़ियां इसकी सुंदरता में चार चांद लगाते हैं, और यह बीच अपनी शांत और सुसाइड वाली लहरों के लिए काफी ज्यादा मशहूर है। साथ ही इस बीच पर दूर दूर तक फैली समुद्र तट के किनारों पर मस्ती करने और आराम करने और अन्य गतिविधियों का आनंद लेने के लिए टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं, और साथ ही यहाँ नाइट लाइफ, पार्टी, डिस्को का भी आप मजा ले सकते हैं। नंबर 7, पणजी। गोवा राज्य की राजधानी पणजी गोवा से लगभग 52 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पणजी को पंजिम शहर के नाम से भी जाना जाता है, और मांडवी नदी के तट पर बसा पणजी गोवा राज्य का तीसरा सबसे बड़ा शहर है, जो कि टूरिस्टों को घूमने के लिए बहुत ही खास जगह है, क्योंकि इस शहर में आप नाइट लाइफ, क्लब, ड्रिंक, पार्टी, बीचेस, चर्च, म्यूजियम, कैसिनो, गेम आदि जैसे सभी चीजों का आनंद आप पणजी में ले सकते हैं। नंबर 6, अगुआडा फोर्ट। यह फोर्ट गोवा की राजधानी पणजी से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पुर्तगालियों की वास्तुकला का एक बेहतरीन नमूना है, जहां पर लाइट हाउस, अगुआडा जेल आदि जैसे टूरिस्ट प्लेसेस यहां पर चार चांद लगाने का कार्य करते हैं। और साथ ही साथ यहां का लाइट हाउस भारत के गोवा में सिक्वेरियम समुद्र तट पर अरब सागर की ओर दिखता है, और यह गोवा में SSI द्वारा संरक्षित राष्ट्रीय महत्व का स्मारक है। नंबर 5, अंजुना बीच। ओजरान के गहने के लिए पहचाने जाने वाला यह बीच समुद्र तट पर होने वाले साहसिक खेलों, जिनमें कि 80 फीट ऊंचे टावर से बंजी जंपिंग, पैरा ग्लाइडिंग, विंड सर्फिंग और वाटर स्पोर्ट्स आदि जैसे खेलों के लिए यह बीच बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है, और दुनिया भर से आए सभी टूरिस्ट यहाँ पर नाच गाने का भी भरपूर आनंद ले सकते हैं, नाइट लाइफ में, क्लब में और कैफे में। नंबर 4, चर्च ऑफ आवर लेडी ऑफ इमैकुलेट कॉन्सेप्शन। गोवा में सबसे अधिक देखे जाने वाले टूरिस्ट प्लेसेस में से एक यह चर्च गोवा की राजधानी पणजी में मांडोवी बीच के पास में स्थित है, और यहाँ पर हर साल 8 दिसंबर को एक विशाल दावत का आयोजन किया जाता है, जिसमें स्थानीय लोग और टूरिस्ट समान रूप से शामिल होते हैं। नंबर 3, नेवल एविएशन म्यूजियम। गोवा के टूरिस्ट प्लेसेस में से एक यह म्यूजियम भारत का एकमात्र नौसेना उद्यन संग्रहालय है, जहाँ पर आपको 7 अलग अलग प्रकार के विमान, बम, रॉकेट, पैराशूट, पायलट पोशाक आदि जैसे बहुत कुछ इस संग्रहालय में देखने को मिलेंगे। तो इसलिए अगर आप गोवा घूमने आए हैं और सुरक्षा बलों के लिए आपके मन में भावनाएं हैं, तो आप यहां पर घूमने जरूर जाएं। नंबर 2, बागा बीच। उत्तरी गोवा के सबसे फेमस बीचों में से एक यह बीच टूरिस्ट के लिए काफी ज्यादा लोकप्रिय है, क्योंकि यह बीच मुख्य रूप से पैरासेलिंग और बनाना राइड आदि जैसे पानी के खेलों के लिए प्रसिद्ध है, और बागा बीच पर अधिकतर आने वाले टूरिस्ट यहाँ के नाइट लाइफ, कैफे, टीटो क्लब का आनंद जरूर लेते हैं, और साथ ही साथ इस बीच पर काफी हद तक लगभग सभी झोपड़ियां और मछली पकड़ने वाली नौकाएं हैं, जिसका आनंद आप सभी ले सकते हैं। नंबर 1, कैंगोलिट बीच। समुद्र तट की रानी की उपाधि प्राप्त करने वाला कैंगोलिट बीच तमाम तरह के वाटर स्पोर्ट्स का आनंद लेने का अनुभव देता है, जो कि टूरिस्ट के लिए 12 महीने तक खुला रहता है, और खूबसूरत शानदार अनुभव से भरा कैंगोलिट बीच पर आप बरसात के मौसम को छोड़ करके यहाँ पे कभी भी वाटर स्पोर्ट्स का मजा लेने जा सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को अब यहीं पर समाप्त करते हैं, और यदि ये वीडियो आप सभी को पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि ऐसी मेरी नई नई वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।